हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधा, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ नींबू भुजिया, जो है हम सबकी फेवरेट। इसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देखते हैं नींबू भुजिया बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो नींबू भुजिया बनाने के लिए मैंने 2 बाउल बेसन लिया है, ये वेट में 150 ग्राम्स है। हाफ बाउल मूंगफली के दाने लिए हैं, ये वेट में 75 ग्राम्स है। और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, इसको मैंने पाउडर बनाया है। 1/4 टीस्पून हींग, एक हमें नींबू चाहिए। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये प्लेन नमक और ये रिफाइंड ऑयल। तो पहले हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे और इसमें हम बेसन डालेंगे। तो मैंने इसमें 2 बाउल बेसन डाला है। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन, हींग, ये चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे और इसे हम पहले अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस। तो हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे हम फिर से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो तैयार करेंगे। तो ये जो आटा है आप हाथ से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन बेसन जो है हाथ में बहुत ही चिपकता है। तो हम इसे स्पून की सहायता से ही इस प्रकार से गूंथेंगे। तो जिस प्रकार से हम रोटियों के लिए आटा तैयार करते हैं, उसी प्रकार से मैंने ये आटा तैयार किया है। तो इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसे गूंथने के लिए मैंने 150 ml पानी लिया था, तो इसमें 90 ml पानी बच गया है। और इसमें मैंने 60 ml पानी यूज़ किया है, यानी कि हाफ बाउल से काफ़ी कम पानी इसमें यूज़ हुआ है। तो भुजिया बनाने के लिए हमें एक सेव मशीन चाहिए। इसमें ये 8 प्लेटें होती हैं। तो ये देखिए, तो आप जो भी बनाना चाहें आप ले सकते हैं। तो हम सेकेंड नंबर की ये प्लेट लेंगे, ये बाकी रख देंगे। तो पहले हम थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ग्रीस कर लेंगे। एक स्पून लेंगे, इसे हम पहले ऑयल लगा लेंगे इस प्रकार से। इसे इस प्रकार से हम उठाएंगे, इसमें डालते जाएंगे। इसे हम इस प्रकार से दबाकर सेट कर देंगे। तो ये देखिए, एक बार में हमारा बेसन आ गया है। और ये जो इसका ढक्कन है, इस प्रकार से हम इसे रखेंगे, बिल्कुल हम टाइट कर देंगे। तो ये हमारा तैयार है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, हमें इसे मीडियम हीट पे रखना है। और इस प्रकार से मशीन को घुमाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तो 2 मिनट बाद देखेंगे इसमें जो बबल्स है काफी कम हो चुके हैं, तो हम इसे हम पलट देंगे। तो हाफ से 1 मिनट इसे मैंने पका लिया, अब इसे हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से हम एक प्लेट में निकालते चलेंगे। अब इसे हम फिर से उसी प्रकार से चलाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। तो इसके बबल्स जो हैं कम हो गए हैं, 1 मिनट बाद हम इसे पलट देंगे। तो दूसरे साइड से मैंने इसे पका लिया, इसके बबल्स जो हैं खत्म हो गए, हम इसे भी निकाल लेंगे। इसी प्रकार से हम इसे भी कर लेंगे। गोलाई से हमें इसे चलाना है इस प्रकार से। तो इसके बबल्स जो हैं कम हो चुके हैं, इसे भी निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से इसे हम थोड़ा सा साइड में करेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल जो है निकल जाए। अब हम मूंगफली के दाने फ्राई कर लेंगे इस प्रकार से। फ्लेम को हम थोड़ा सा मीडियम करेंगे। इसे बार बार हम इस प्रकार से निकालेंगे और हिलाएंगे, इसमें डालेंगे। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो मूंगफली के दाने हमारे फ्राई हो गए हैं, इन्हें हम कढ़ाई के ऊपर ही इस प्रकार से कर देंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल हमारा निकल जाए। तो नींबू भुजिया हमारी बनकर तैयार है। इसे हल्के हाथों से ब्रश करेंगे। देखिए,
तो मैंने इसे तोड़ लिया है। अब हम ये मूंगफली के दाने इसमें मिला देंगे। आप चाहें तो इसे प्लेन भी रख सकते हैं, लेकिन ये मूंगफली के दाने के साथ भुजिया बहुत ही टेस्टी लगती है। तो घर पर बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से टेस्टी नींबू भुजिया बनकर तैयार है। आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मुझे लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरा नया वीडियो मिल सके सबसे पहले आपको। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी का, तब तक के लिए नमस्कार।